गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा फ्रॉम मैथ्स क्लासेस. स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5D फ्रॉम RS अग्रवाल बुक. द चैप्टर नेम इज़ अर्थमैटिक प्रोग्रेशन. ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 5D इज दिस. ओके, द 3 terms of an AP are respectively 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1. We have to find out the value of y in this question. Okay, so students, what are given in this question? We are given with 3 numbers which are in AP. 3 numbers hain jo ki AP mein hain. That means unka common difference kya hoga? Same hoga. Okay, jaise ki हमारे पास में नंबर कौन कौन से हैं, ये 3y-1 है. ओके, सेकंड नंबर है हमारे पास में 3y+5. थर्ड नंबर है हमारे पास में 5y+1. ओके, दीज नंबर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, एंड दीज नंबर्स आर इन AP, दैट मीन्स इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे. कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, जो सेकेंड वाली टर्म होती है उसमें से फर्स्ट वाली टर्म को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ओके, तो अगर हम उसको कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड टर्म आपकी कौन सी थी, 3y+5 था. तो हमने क्या किया, 3y+5 में से सब्ट्रैक कर दिया पहले वाला नंबर, इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या था, 3y-1 था. तो 3y-1. अब कॉमन डिफरेंस तो क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा क्योंकि ये नंबर्स आपके AP में दिए हुए हैं. तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक कर रहे हैं तो जो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, यदि हम इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक करें. ओके, तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम होगा. तो अब हम क्या करेंगे, 5y+1 में से 3y+5 को भी सब्ट्रैक करेंगे और दोनों को इक्वेट करवाएंगे. क्यों इक्वेट करवाएंगे, क्योंकि नंबर्स आपके AP में दिए हुए हैं और AP में दिए हुए हैं दैट मीन्स आपका कॉमन डिफरेंस सेम है. इसका मतलब ये है कि हम यदि बाद वाले नंबर में से जस्ट पहले वाला नंबर उसका सब्ट्रैक करें तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी. ओके, वो चेंज नहीं होगी. सो हमने क्या किया, इस 3y+5 में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक किया 3y-1 को, और जो लास्ट वाला नंबर था 5y+1 उसमें से भी हम 3y+5 को सब्ट्रैक करके दोनों को इक्वेट करवाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में था 5y+1 - 3y+5. ओके, आपके पास में ये नंबर्स थे. अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे. ये 3y+ का है और ये 3y इधर से माइनस का मिलेगा हमें, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. अब ये प्लस 5 और ये प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1. तो 5+1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे 6 मिलेगा इज इक्वल्स टू. अब ये 5y है, 5y में से अपने 3y सब्ट्रैक्ट किया तो आपको कितना मिला स्टूडेंट्स, 2y मिला. 5 में से 3 गए तो 2y. एंड ये प्लस का 1 है और यहाँ पे प्लस का 5 है, लेकिन ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है. तो क्या हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएंगे. तो 1-5 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा. अब इसमें से हमने क्या किया, 2 कॉमन लेके इधर से हम कैंसिल आउट करवा देते हैं. किस तरीके से किया, हमारे पास में आया 2y-4 इज इक्वल्स टू 6. ओके, हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, y-2. ये हमने 2 कॉमन दे दिया इधर से इज इक्वल्स टू 6. अब हमने ये 2 कॉमन लेके क्या कर दिया, इधर से कैंसिल आउट करवा दिया, 2 3 6. तो अब आपके पास में y का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो माइनस 2 था इधर जाके प्लस में जाएगा. तो 3+2 कितना हो जाएगा, 5. तो द वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 5. ओके, सो आवर क्वेश्चन गेट कम्प्लीटेड हियर. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं MCQs में. ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम टाइप का है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4. इफ द नंबर गिवन नंबर आर दीज फॉर्म्स एन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B. ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं. नंबर्स कौन कौन से दिए हैं आपको, A दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, B है और 25 है. ओके, ये नंबर्स आपके क्या हैं, AP में हैं.
अब ये ए पी में है तो आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। अब ये ए पी में है दैट मीन्स का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। हम 9 में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 9 में से अगर हम बी में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम होगी। जैसे कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं कि 9 माइनस में ए, मतलब बाद वाले नंबर में से आपको पहला वाला नंबर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो व्हाट यू विल गेट, 9 माइनस में ए इज इक्वल्स टू, अब ये बाद वाला नंबर बी है, बी में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बी माइनस 9 इज इक्वल्स टू बाद वाला नंबर 25, 25 माइनस में बी, 25 माइनस में बी। अब ये क्या है, ये सभी कॉमन डिफरेंस है, 9 माइनस ए भी कॉमन डिफरेंस है, बी माइनस 9 भी कॉमन डिफरेंस है और 25 माइनस बी भी कॉमन डिफरेंस है, मतलब ऑल आर इक्वल क्योंकि ये ए पी में दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी दो को कंपेयर करवा लेते हैं ताकि हमें क्या करें, ए और बी का वैल्यू मिल सके। तो हम क्या करते हैं कि जिसमें बी बी दिया हुआ है उनको कंपेयर करवाते हैं, दैट मीन्स हम 25 माइनस बी और ये जो b माइनस 9 है इन दोनों को हम कंपेयर करवा लेते हैं ताकि हमें b का वैल्यू मिल सके। ओके, किस तरीके से करेंगे, हमारे पास में था b माइनस में 9 इज इक्वल्स टू था हमारे पास में 25 माइनस में b। अब ये b इस तरफ जाएगा तो प्लस में 25 प्लस 9, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल्स टू कितना, 34। सो बी कम्स आउट टू बी, बी को हमने 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट 17। तो बी का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, 17 आ गया। अब हमें क्या करना है, ए का वैल्यू भी निकालना है। तो अभी हमने क्या किया था, कॉमन डिफरेंस निकाला था, तब हमने क्या बताया था कि 9 माइनस जो ए है, 9 माइनस ए है वो किसके बराबर है, बी माइनस 9 के बराबर भी है। तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, 9 माइनस में ए इज इक्वल्स टू बी माइनस में 9। ओके, क्या है, 9 माइनस में a b माइनस 9 के बराबर था, इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 9 और ये 9 जाकर प्लस में जाएगा, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 माइनस में a और जो ये b है, इस b का वैल्यू कितना निकाला स्टूडेंट्स, हमने 17 निकाला, b इज 17 है। तो अब क्या हो जाएगा, ये a को हम इधर सब प्लस में दे देते हैं और 17 को इधर सब्ट्रैक्शन में दे देते हैं, तो 18 माइनस में 17 मतलब कि 1 और a इधर प्लस में गया तो ये a, तो ए का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ओके, सो यहाँ पे हमें जब क्वेश्चन को सॉल्व किया देन व्हाट वी गॉट ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 17। ओके, आर क्वेश्चन गेट कंप्लीटेड हियर, नाउ मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इफ द नंबर्स आर इन ए पी, गिवन नंबर्स दिए हैं आपको, ओके 3 नंबर्स आर देयर एंड दीज नंबर्स आर इन ए पी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n एज वेल एज द नंबर। ओके, नंबर भी पता करना है हमें और वैल्यू ऑफ n भी फाइंड आउट करना है। तो अगेन कॉमन डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स यदि हम इस 3n+2 में से, 3n+2 में से उसके जस्ट पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करें, उसके पहले वाला नंबर कैसा है, 2n-1 है, तो माइनस में 2n-1, बाद वाले नंबर में से हमने पहला वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो ये क्या मिलेगा, आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। और ये किसके बराबर होगा, यदि हम इस 6n-1 में से, इस 6n-1 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इस 3n+2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, जस्ट हमने जैसे पहले सॉल्व किया था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है ये आपका, सेम टाइप का प्लस टू, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आपका सेम होता है, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ओके, अभी 3n में से ये 2n सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना मिला, n मिला, एंड 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 2+1 कितना हो जाएगा, 3, दैट मीन्स यू विल गेट n+3 हियर। एंड 6n में से 3n गया, यू विल गेट 3n, और ये माइनस का 1 इधर है आपके पास में, और इधर से माइनस का 2 है, -1 -2 इज -3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इधर से n का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, 3n में से हमने क्या किया, n को इस तरफ भेज दिया, तो 3n में से n इधर से सब्ट्रैक्शन में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ओके, 2n हो गया, और जो ये माइनस का 3 था इसको हमने इस तरफ प्लस में भेज दिया, तो 3+3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 हो गया।
तो एन को हम टू से डिवाइड, मतलब सिक्स को हम टू से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट सिक्स डिवाइडेड बाई टू, दैट मीन्स थ्री। तो एन का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आ गया, थ्री आ गया। अब हमें क्या करना था, ए पी के जो नंबर्स थे वो भी पता करना था कि ए पी आपकी कौन सी बन रही है। तो हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर्स हैं उनमें एन का वैल्यू पुट अप करना है। ओके, तो एन का वैल्यू हम अगर टू एन माइनस वन में एन का वैल्यू पुट करते हैं, एन का वैल्यू क्या रखेंगे हम, थ्री रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, थ्री इंटू टू, थ्री टू द सिक्स, और सिक्स में से वन सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट फाइव। ओके, अब आपके पास में था थ्री एन प्लस टू नंबर था नेक्स्ट नंबर, वापस से एन की जगह पे आपने थ्री पुट किया, तो थ्री थ्री इज़ अ नाइन, और नाइन और प्लस टू यू विल गेट इलेवन। ओके, नेक्स्ट नंबर था आपका सिक्स एन माइनस वन, एन की जगह पे थ्री पुट किया सिक्स, तो कितना हो जाएगा, एन की जगह पे हमने थ्री पुट किया तो सिक्स थ्री इज़ अ एटीन। ओके, एटीन माइनस में वन तो यू विल गेट सेवनटीन। ओके, सो जो नंबर्स आपके एपी में वो कौन से थे, फाइव, इलेवन और जो सेवनटीन है, ऐसे डैश 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 करके ये जो आपका नंबर्स है, दीज नंबर्स आर इन एपी। ओके, ये एपी में बना रहे हैं आपका। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट 2011 में पूछा हुआ है। ओके, अब ये क्या है आपका, सम पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको सम वाला क्वेश्चन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं, लेट्स सी, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन ए पी इज दिस, मतलब कि फर्स्ट एम टर्म्स का सम, मतलब कि एस एम इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम, इतना दिया हुआ है आपके पास में सम। ओके, आपको बोला है व्हाट इज़ इट्स सेकेंड टर्म, आपको सेकेंड टर्म निकालना है। अब स्टूडेंट्स आपके पास में क्या है, नंबर्स ए पी है, ए पी मतलब कि ए पी की फर्स्ट टर्म होगी, टी टू होगा फर्स्ट टर्म, टी वन इज़ फर्स्ट टर्म, टी टू इज़ सेकेंड टर्म, ऐसे करते करते आपके पास में कितनी टर्म्स हैं, एम टर्म्स हैं, टी एम एम सम टर्म्स हैं। तो आपके पास में टी वन से लेके टी एम टर्म जो टर्म्स हैं उनका सम आपको दिया हुआ है, उनका सम कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, एसएम आपको सम दिया हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी, टी एम माइनस वन वाली टर्म होगी, सपोज लास्ट वाली टर्म कौन सी है, टी एम है। ओके, तो टी एम के जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी, टी एम माइनस वन होगी। तो हम क्या करेंगे, टी एम माइनस वन तक का सम निकालने की कोशिश करते हैं। सो सम ऑफ एम माइनस वन टर्म्स, एम माइनस वन तक टर्म की जो टर्म्स है उसका सम कितना होगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे m की जगह पे क्या रख दें, m माइनस वन रख दें। ओके, तो m माइनस वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टू m माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर था यहाँ पे। ओके, प्लस कितना था, थ्री एम था, तो थ्री और m की जगह पे हमने रख दिया m माइनस वन। ओके, अब इसे एस एम माइनस वन को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, एल्जेब्रिकली तो ये यहाँ पे कितना मिलेगा, ये टू, तो एज इट इज़ इस यहाँ पे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, मतलब माइनस का टू एम। ओके, और यहाँ से कितना मिला, प्लस थ्री एम, और थ्री एम माइनस में कितना मिलेगा, थ्री मिलेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आपके पास में एस एम माइनस वन इतना आया। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ओके, एस एम माइनस वन, आप क्या करें, इसे कॉपी में नोट डाउन करते जाएं तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें हम टू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू एम स्क्वायर प्लस टू। ओके, कितना हो जाएगा ये, टू एम स्क्वायर प्लस टू माइनस में फोर एम हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमने टू से मल्टीप्लाई किया, फोर एम हो जाएगा, और प्लस थ्री एम माइनस थ्री तो चल ही रहा था, प्लस थ्री एम और ये माइनस में थ्री। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एस एम माइनस वन कितना हो जाएगा आपके पास में, दिस इज़ टू एम स्क्वायर। ओके, और माइन प्लस टू और माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, माइनस फोर एम और प्लस का थ्री एम, तो यू विल गेट हियर माइनस का एम। ओके, माइनस का एम सब्ट्रैक्शन किया तो आपके पास में एस एम माइनस वन स्टूडेंट्स कितना आया, इतना आया। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे पास में टी वन सम टर्म थी, टी टू टर्म होगी, ऐसे करते करते टी एम माइनस वन टर्म होगी और टी एम टर्म होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का सम हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक का सम हम निकाल चुके हैं एस एम माइनस वन। तो अगर हम क्या करें, अगर हम एस एम में से जो आपकी
लास्ट तक के टर्म का जो सम है उसमें से यदि हम एस एम माइनस वन को माइनस कर दें, ओके, अगर हम इस पूरे के सम में से अगर उसके जस्ट पहले वाली टर्म तक का सम को माइनस कर दें तो हमें लास्ट वाली टर्म मिल जाएगी, ओके, लास्ट टर्म हमें मिल जाएगी। तो लास्ट टर्म हमें कैसे मिलेगी, टी एम इज इक्वल्स टू एस एम माइनस वन, ओके। क्या किया हमने, सिंपली लास्ट वाली टर्म तक का सम जो था उसमें से उसके जस्ट पहले वाली टर्म का सम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसे क्या मिला, हमें लास्ट वाली टर्म मिल जाएगी। तो क्या मिला हमें स्टूडेंट्स, टी एम इज इक्वल्स टू जो ये टी एम था, ओके, टी एम इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, एस एम माइनस में एस एम माइनस वन करना है, ओके। अब एस एम कितना था स्टूडेंट्स, एस एम आपका था टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम, कितना था आपके पास में, टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम था, ओके, और एस एम माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करना था। अब एस एम माइनस वन आपने कितना निकाला स्टूडेंट्स, ये निकाला आपने टू एम स्क्वायर माइनस वन माइनस एम, टू एम स्क्वायर माइनस वन माइनस एम, ये आपने क्या निकाला, एस एम माइनस वन निकाला, ओके। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये टू एम स्क्वायर से टू एम स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री एम में से ये माइनस वन और ये माइनस का एम है, माइनस माइनस प्लस एम हो जाएगा, थ्री एम प्लस एम कितना हो जाएगा, फोर एम हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस वन, तो फोर एम प्लस वन आपके पास में क्या आ गई, ये लास्ट टर्म आ गई, ओके, दिस इज योर लास्ट टर्म, ओके। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास में ये लास्ट टर्म है या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज योर एम एथ टर्म, ओके, टी एम क्या है आपकी एम एथ टर्म है। तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड टर्म निकालनी थी तो m की जगह पे हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगी, ओके। तो m की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 4 इंटू टू प्लस वन, तो 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस वन 9, तो आपके जो सेकेंड टर्म होगी वो क्या होगी, 9 होगी, ओके, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो कितना आया, 9 आया, ओके। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, स्टिल यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू मी, बाय बाय।